वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको गौ विज्ञान परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यह परीक्षा 4 डिविजन्स में आयोजित की गई है। फर्स्ट डिवीज़न 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड डिवीज़न 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड डिवीज़न में कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और फोर्थ डिवीज़न में सभी सिटीजन्स यानी आम जनता के लिए है। तो सभी सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह परीक्षा सभी के लिए है और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। यह परीक्षा 25 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी और इसमें रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 20 फरवरी है। इस परीक्षा में सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स 75 हैं। 1 आवर की ये परीक्षा होगी। तो देखते हैं कि इसमें हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है kamdhenu.gov.in और सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो ये 3 लाइंस हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने ये एक और इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके ये लिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको जो है इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये एग्ज़ाम जो है वो 25 फरवरी 2021 को होगा। 4 कैटेगरीज में ये एग्ज़ाम होगा। प्राइमरी लेवल अप टू 8th स्टैंडर्ड, सेकेंडरी लेवल 9th to 12th स्टैंडर्ड, कॉलेज लेवल और जनरल पब्लिक के लिए। एंड देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फी फॉर दिस एग्ज़ाम। और भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है कि सभी लैंग्वेजेस में, कि इन लैंग्वेज में आप जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की MCQ होगा। 1 आवर का टाइम है। टोटल क्वेश्चन 75 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस होंगे एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बताया गया है। और सक्सेसफुल एंड मेरिटोरियस विल बी गिवन कैश प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स, ये भी इसमें बताया हुआ है। और यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन, टाइम स्लॉट्स बताए हुए हैं कि प्राइमरी लेवल के लिए 9 to 10 AM है, सेकेंडरी लेवल के लिए 11 to 12 है, कॉलेज लेवल 1 to 2 है और सिटीजन्स ऑफ इंडिया 3 to 4 PM और इंटरनेशनल के लिए 5 to 6 PM। और इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 5th January, रजिस्ट्रेशन एंड डेट 20th February और जो मॉक एग्ज़ाम डेट है 21st February, एग्ज़ाम डेट 25th February। इस तरह से जो है आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये पूरा रीड करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो है इसको टिक करना है और आई एग्री जो है आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद ये जो है एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंट्री का नाम दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस, एग्ज़ाम लैंग्वेज आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है। सेलेक्ट एग्ज़ाम कैटेगरी, जैसे कि 4 कैटेगरीज हैं इसमें 1st to 4, तो आप कौन सी कैटेगरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर नेम, ये जो है ऑप्शनल है आपके लिए, इसको भरना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर जो है कैप्चा दिया हुआ है, ये आपको एज इट इज़ इसमें एंटर कर देना है। और यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, जिसका आप स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, आइए हम एक स्टूडेंट के आईडी को लेकर के हम बाय प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसे कैसे हम kamdhenu.gov.in में रजिस्ट्रेशन करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, सबसे ऊपर गूगल में जाने के बाद URL पर kamdhenu.gov.in प्रेस करेंगे। इसके बाद हम
नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कामधेनु की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जाने के बाद ये जो 3 डॉट लाइन दिख रही है इस लाइन पर हम क्लिक करेंगे। इस लाइन पर जैसे क्लिक करते हैं जैसा कि देख पा रहे हैं जैसे 3 लाइन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे एग्जाम पर। एग्जाम पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का। इस रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर कामधेनु से संबंधित जो विकल्प आपने पढ़ा है ये ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है 25 फरवरी 2021 को है। ये 3 लेवल पर है, प्राइमरी लेवल पर अप टू 8th क्लास, दूसरा है आपका सेकेंडरी लेवल पर 9th to 12th क्लास, और तीसरा है कॉलेज लेवल पर। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट चुनने के लिए होगा, कैसे आप किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को चुन कर लेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा वो 1 आवर का रहेगा और 75 मार्क्स का होगा जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, और इस एमसीक्यू क्वेश्चन के रहेंगे और 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे जैसे कि आपने वीडियो में देखा पहले भी। इसका टाइमिंग जो अलग अलग है, प्राइमरी लेवल का 9 से 10 AM, सेकेंडरी लेवल का 11 से 12 AM, कॉलेज लेवल का जो पार्टिसिपेंट है वो 1 से 2 PM, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है 3 से 4 PM, और जो बाकी अदर जो आते हैं वो 5 से 6 PM के अंदर है। रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 5 जनवरी 2021 स्टार्ट है और लास्ट डेट है इसके रजिस्ट्रेशन की 20 फरवरी 2021। तो 20 फरवरी से पहले पहले आप इसको रजिस्टर कर लें। सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पर आई हैव पर क्लिक करेंगे। इस इंफॉर्मेशन क्लिक करने के बाद आई एग्री पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आई एग्री पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक ऐसा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे मैं एक स्टूडेंट का नाम लिख के आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे स्टूडेंट्स हैं शिवांग, हम यहाँ पर कैपिटल लेटर से पूरे कैपिटल लेटर से हम इसको टाइप करेंगे शिवांग को। मिडिल नेम में अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम कर सकते हैं, अगर मिडिल नेम ही तो लास्ट नेम कर सकते हैं, शिवांग सिंह। फिर ईमेल आईडी डालेंगे, यदि ईमेल आईडी आपको नहीं मालूम है तो जो स्कूल से ईमेल आईडी मिला है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं शिवांग की ईमेल आईडी को यूज करके मैं कर रहा हूँ। ईमेल डालने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट रहेगा, एज इट इज इंडिया जैसे पहले सेलेक्ट है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट मध्य प्रदेश, स्क्रॉल डाउन करेंगे मस्ट पर क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट आएगा। एग्जाम लैंग्वेज, ये एग्जाम लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहेंगे, तो किस लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप
हम इंग्लिश में लेना चाहते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम कैटेगरी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि अगर आप 8 क्लास तक पढ़ रहे हैं तो सबसे ऊपर लिखा प्राइमरी लेवल अप टू 8th, इसको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप 9-12 स्टूडेंट हो तो आपको सेकेंडरी लेवल चुनना पड़ेगा। यदि आप कॉलेज लेवल पर हो तो आपको थर्ड लेवल पॉइंट चुनना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप बाहर के हो यानी कि किसी स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टूडेंट का है और शिवांग 7th B में पढ़ता है, इसलिए मैं इसके प्राइमरी लेवल अप टू इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ KB नंबर, आप पूरा डाल सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रीवा, ऐसे पूरा भी डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर कौन मैनेज करता है इस ये जानना जरूरी नहीं है। एग्जाम कोऑर्डिनेटर नेम ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा भरा हुआ इसको ध्यान पूरा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर से ध्यान दीजिएंगे, मैं आपको फिर बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम प्रेस करेंगे, ये ऑप्शनल है, फिर लास्ट नेम, फिर अपने ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे, जो स्कूल से आपको जी सूट की आईडी मिली है आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं, ये अपना आपका मोबाइल नंबर है तो उसको लिख सकते हैं। कंट्री इंडिया, स्टेट मध्य प्रदेश, सिटी रीवा, और रीवा या रीवा सेलेक्ट करेंगे, और जो एग्ज़ाम जो किस लैंग्वेज पर देना चाहते हो वो लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, इंग्लिश। किस स्टैंडर्ड पर आप पढ़ रहे हो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, यदि आप 6 लेकर के फर्स्ट से लेकर के 8 के बीच में हो तो आपको प्राइमरी लेवल चूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल चूज करना है सेकेंडरी लेवल, 9-12, इस तरह से आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चर करने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ, और यहाँ पर आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर रहेगा, पासवर्ड में 6 डिजिट का अंक रहेगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट के तौर पर ले सकते हैं, जो आपको एग्जाम के दौरान आपको यही यूजर नेम और पासवर्ड सबमिट करना है। थैंक यू, आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो फाइलें आपको साथ शेयर की जाएंगी आपके क्लास टीचर के द्वारा, आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा, उसको जरूर पढ़िएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।